प्रमुख चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार, समर्थकों ने रोकी पुलिस की गाड़ियां। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को देवबंद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते सप्ताह चंद्रशेखर ने घोषणा की थी कि उनका संगठन पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ने वाले प्रत्याशियों का समर्थन करेगा। उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को थाने की तरफ आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। पदयात्रा निकालते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने धारा 144 और आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में ये कार्रवाई की है। देवबंद पुलिस ने उन्हें कासमपुर से गिरफ्तार किया है। चंद्रशेखर को देवबंद के किसी स्कूल में रखा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एससी समुदाय के नेता को इसीलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो 15 मार्च को दिल्ली में कांशीराम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज। आज थाना देवबंद क्षेत्र के कासिमपुर गाँव में भीम आर्मी का स्थापक चंद्रशेखर और उनके जो सपोर्टर्स MCC की वायलेशन में वहाँ से कुछ मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर ने जुलूस निकालने की कोशिश की, यहाँ से मुजफ्फरनगर जाने की कोशिश की। इसी सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुँच गया, थाना देवबंद की पुलिस और CO देवबंद मौके पर पहुँच गए और इन्हें MCC कोड के बारे में समझाने की कोशिश की है। चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया तमाम दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है कि ये बिना परमिशन, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अनुमति के बिना कोई भी जुलूस या पब्लिक रैली या पब्लिक गैदरिंग आप नहीं कर सकते हैं, वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ये पूरी तरह से उनको समझाया गया है, जानकारी दिया गया है। इतने जानकारी देने के बावजूद MCC कोड को, कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया गया है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के द्वारा और उनके सपोर्टर्स के द्वारा।